हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज डिस्कस करेंगे हम लोग क्रेडिट रेटिंग के बारे में। आखिर ये होती क्या है, ये जो रेटिंग होती है उन्हें किन्हें किन्हें दी जाती है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस रेटिंग को देते हैं, क्या मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कंट्री के लिए क्रेडिट रेटिंग का। और दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने जो प्रपोजल दिया है एक अलग से इंस्टीट्यूशन बनाने का, उसके बारे में आखिर क्या कारण है और आगे क्या काम होने हैं। तो व्हाट इज़ अ क्रेडिट रेटिंग? इट इज़ अ स्कोर गिवन टू अ बोरोवर और अ कंट्री। ध्यान देना, कोई भी बोरोवर हो या फिर कोई नेशन हो, कोई कंपनी हो, उनको हम देते हैं एक रेटिंग। तीनों को हम समझते हैं अलग अलग। पहले हम देखते हैं किसी व्यक्ति को। मान लो कि मैं एक आदमी हूँ जिसे लोन लेना है अपना जो बिजनेस है उसमें पैसे लगाने के लिए, तो मैं जाऊँगा बैंक के पास। बैंक मेरा जो रेटिंग है वो देखेगा और ये कहेगा कि हाँ जी, आपने अपने जो पिछले लोन है उसको अपने टाइम पर चुकाया है, आपने कोई दिक्कत नहीं करी है, इसलिए हम आपको जो ब्याज है आपको हम कम लेंगे और आपको हम लोन दे देंगे। बात समझ रहे हो? तो ये होता है मतलब क्रेडिट रेटिंग का। मतलब क्या? आपका जो प्रीवियस हिस्ट्री है, आपके जो प्रीवियस रिकॉर्ड हैं, उसको देखते हुए आपको एक स्कोर दिया जाता है कि आपने टाइम पर लोन चुकाया है या नहीं, और क्या आप डिफॉल्ट हुए हैं उस लोन पर कि नहीं। समझ रहे हो? ये होता है एक इंडिविजुअल की रेटिंग। दूसरा होता है एक कंट्री का रेटिंग। मान लो कि कोई कंट्री है जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, वहाँ पर जो फिजिकल डिफिसिट है वो कम है, उस वहाँ पर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखी गई है, समझ रहे हो? तो अगर इस कंट्री की रेटिंग हम करेंगे तो देखो, इसके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे हैं, फिजिकल डिफिसिट कम है, इन्फ्लेशन कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी है ना। तो अगर ये कंट्री किसी इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है तो उस लोन को चुकाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है ना। ये कंट्री उस लोन पर डिफॉल्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, ये जो कंट्री है इसकी रेटिंग अच्छी होगी। बस समझ रहे? एक होती है रेटिंग हमारे बॉन्ड्स की। मान लो कि कोई कंपनी है इन्फोसिस, कोई कंपनी है TCS, या फिर कोई कंट्री है इंडिया, US, चाइना इत्यादि। ये सब जो कंट्रीज़ होती हैं वो कैपिटल का जुगाड़ करने के लिए बॉन्ड्स इशू करती हैं। बस में आ रहा है, वो बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है एक कागज़ जहाँ पर लिखी गई होती है एक रकम। ये 100 रुपये का बॉन्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। सरकार ये बोलेगी कि जो भी व्यक्ति इस बॉन्ड को खरीदेगा, मान लो कि इस बॉन्ड का जो टेन्योर है, मतलब मान लो कि इस बॉन्ड का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 10 साल का, है ना, और इस पे 4% का 8% का हम दे देते हैं ब्याज हर साल। तो जिस व्यक्ति के पास 100 रुपये का बॉन्ड होगा उसको हर साल 8% का ब्याज मिलेगा, है ना, और 10 साल के बाद उसको ये जो 100 रुपया है ना जो लिखा हुआ है इस पर, वो पैसे भी उसे वापस मिल जाएंगे, है ना। तो इसको तो ये होता है कॉन्सेप्ट एक बॉन्ड का। तो अगर कोई कंपनी की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो उसका जो बॉन्ड होगा उसकी रेटिंग अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि जब उसको आप जाएंगे ना कंपनी के पास ये मतलब का जो कागज़ वो लेकर के, तो आपको पैसे चुका देगा, है ना। तो जो कंपनी की जो पेबिलिटी है, मतलब कंपनी की जो औकात है अपने बॉन्ड का पैसा वापस चुकाने का, वो डिपेंड करता है दोस्तों जैसे कि उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसके देखते हुए हम देते हैं रेटिंग, है ना। जितनी अच्छी कैपेबिलिटी उतनी अच्छी रेटिंग, समझ रहे हो। तो जो सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, मतलब सॉवरेन बॉन्ड मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनका रेटिंग काफ़ी अच्छी होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करता। अगर भारत सरकार को अपने बॉन्ड के पैसे चुकाने हैं ना, तो वो नोट छाप करके पैसे को है जो चुका देगा, समझ रहे हो। कुछ होते हैं हमारे जंक बॉन्ड। जंक बॉन्ड का मतलब ये है कि जो कंपनी है उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि आपके बॉन्ड पर वो डिफॉल्ट कर जाए, आप उससे जब पैसे उसे जब आप जैसे कि उसका जब आपका जो बॉन्ड लौटाएंगे तो आपको पैसे शायद ना मिले, समझ रहे हो। तो इफ़ द बोरोवर इज़ अ हेल्दी बिजनेस मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, देन देर इज़ अ हाई लाइकलीहुड डैट द लेंडर विल गेट बैक इट्स प्रिंसिपल। जो बैंक है जिन्होंने लोन दिया उस व्यक्ति को, उसका जो मूल है वापस मिल जाएगा और जो इंटरेस्ट है वो भी उसको मिलेगा। ये होता है इंडिविजुअल केस में। अब देखते हैं दूसरे नेशनल केस में। नेशनल केस में होता है बॉन्ड का, है ना, कंपनी केस में होता है बॉन्ड का। अब कौन कौन से हमारे संस्थान हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग करते हैं? जो मूडीज़ है, S&P है, स्टैंडर्ड पुअर है, ये सब देते हैं आपको रेटिंग हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनको। मूडीज़ का है AAA, AAA,
AA1, AA2, AA3, AA+, AA और AA-, समझ रहे हो। तो इस तरह से अलग अलग जो कंपनीज़ हैं अपना अलग अलग बना रखा है नोटेशन अपने बॉन्ड, देखो जो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं, जो अलग अलग नेशन हैं उसके बॉन्ड को रेट करने के लिए, बस में आ रही है। तो ये सब होते हैं सिग्नल हमारे, जैसे कि जो कंपनीज़ के जो बॉन्ड हैं उसके। व्हाट डज दिस रेटिंग, मतलब कि इसको मैं कौन कौन करता है रेटिंग। पहला तो हमारा हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर, दूसरा हमारा हो गया मूडीज, तीसरा हमारा हो गया फिच। समझ रहे हो, ध्यान देना, ये तीनों के तीनों हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में स्थित हैं और ये करीब 90% जो है ना, जो मतलब सॉवरेन रेटिंग उसको ये कैप्चर करती है। तो अभी हमने देखा कि आखिर हम किस तरह एक इंडिविजुअल को रेट करेंगे, उसका हिस्ट्री देख करके, कितना वो लोन चुका सकता है, उसने पहले कोई डिफॉल्ट किया है या नहीं। किसी कंपनी को, किसी नेशन को हम कैसे रेट करेंगे, अगर किसी कंट्री में पॉलिटिकल रिस्क काफ़ी कम है, अगर वहाँ पर रेगुलेशन काफ़ी अच्छा है, अगर उस कंट्री पर कोई भी एक्सटर्नल रिस्क नहीं है, कोई भी फिजिकल रिस्क नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक रिस्क नहीं है, तो उस कंट्री की रेटिंग काफ़ी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल जो यूएस की रेटिंग है वो कहीं ज़्यादा अच्छी है इंडिया के मुकाबले, जो चाइना की रेटिंग है ये कहीं ज़्यादा अच्छी है इंडिया के मुकाबले। क्यों? क्योंकि चाइना में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जो पॉलिसी चाइना बनती है वो पॉलिसी की स्टेबिलिटी इंश्योर्ड रहेगी, ये इन्वेस्टर को पता होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट रखने से किसकी होनी है सर, गवर्नमेंट तो होनी है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की ही। इंडिया में जो पॉलिसीज़ हैं उसके स्टेबिलिटी पर होता है संदेह। अभी सरकार है बीजेपी की, हो सकता है कि दूसरे कांग्रेस में, जैसे कि जो कांग्रेस हो जाए अच्छा गवर्नमेंट में है ना, हो सकता है कि कोरो मतलब कि मैंने कि कोरो पटा जाए गवर्नमेंट में। तो जो पॉलिसी हमारे यहाँ है वो काफ़ी स्टेबल नहीं होती हैं, इस कारण से हमारी रेटिंग थोड़ी सी कम होती है। प्लस हमारा कई सारा इशू है, हमारा जो इन्फ्लेशन है तो उसमें बढ़ता जा रहा है ना, हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं क्रूड ऑयल वगैरह के लिए। तो आखिर ये जो रेटिंग है इतनी मैटर क्यों करती है, मैटर इसलिए करती है कि मान लो कि किसी व्यक्ति का रेटिंग काफ़ी अच्छा है, मतलब क्या उसको ब्याज कम देना पड़ेगा, बैंकों को लगेगा ना कि भैया ये तो अच्छा आदमी है, ये तो हमें लोन चुका ही देगा, इसको हम लोग कम ब्याज लेते हैं ताकि ये और लोन ले सके। कंट्री के पे क्या हो सकता है सर, कंट्री के जो बॉन्ड हैं उसकी रेटिंग अगर अच्छी हो ना तो उस, तो देखो हमने क्या बताया था आपको, हमने कहा था आपको कि जो 100 रुपये का जो बॉन्ड था उस पर हम दे रहे थे उसको 8% का इंटरेस्ट रेट। अगर इस कंट्री का रेटिंग बढ़िया होगा तो जो कंपनी, सॉरी जो कंट्री है ना, वो आपको 8% लोन जैसे इंटरेस्ट नहीं देगी, वो आपको कहेगी ना कि आपको हम 7% ही ब्याज चुकाएंगे इस बॉन्ड पर, समझ रहे हो। तो जो कंट्री है उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेम काम होता है एक कंपनी के जैसे कि कॉन्टेक्स्ट में, अगर किसी कंपनी का रेटिंग बढ़िया है तो करेगा उस वो जो कंपनी, वो आपको कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। मान लो कि कोई जंक बॉन्ड है, मतलब कि कोई जैसे कि उतनी अच्छी कंपनी नहीं है, उसका जो बॉन्ड है उस पर आपको काफ़ी अच्छा ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई उस बॉन्ड खरीद नहीं रहा है ना, उस कंपनी को अपने बॉन्ड को बेचने के लिए वो आपको हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करेगा। बस समझ रहे हो। तो ये होती है बातें हमारे क्रेडिट रेटिंग की। अब समस्या ये है सर कि क्या कहा था हमने आपको, अब वो कहा था कि जो S&P है, मूडीज है, फिच है, ये हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के जो एजेंसी हैं वो हैं। दीज आर वेस्टर्न रेटिंग फर्म्स, दीज आर बायस्ड, पेसिमिस्टिक ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड ऑप्टिमिस्टिक ऑन डेवलप्ड नेशन। इसीलिए हमारे जो डेवलपिंग कंट्री हैं उसका रेटिंग उतना अच्छा नहीं होता। तो इंडिया ने क्या कहा था दोस्तों, इंडिया ने ये कहा था कि हम जो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स नेशन के, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हम लोग मिल करके अपना एक रेटिंग एजेंसी बनाते हैं ताकि जो मानी कि जो होते हैं ना पर्सनैलिटी वो ना हो, हमारी भी जो रेटिंग दोस्तों जिसकी जो रेटिंग है वो अच्छी हो। मगर समस्या क्या है, समस्या यहाँ पर आएगा लेजिटिमेसी का। समझ रहे हो, कंपनी तो मैं भी खोल दूँ कि मतलब कि हाँ मेरी जैसे कि एजेंसी है जो कि रेट करेगी, मगर आपकी जो रेटिंग है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन कौन लोग आपकी रेटिंग को मानते हैं, ये मुद्दे की बात होती है। ब्रिक्स ने अगर अपना एजेंसी बना भी दिया तो इसके द्वारा दोस्तों जो रेटिंग दी गई है उसको कौन कौन लोग मानेंगे, क्या उसको बैंक वाले मानेंगे, क्या उसको जैसे कि क्या वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, तो ये सब बातें आती हैं, ये सब जो होते हैं ना मुद्दे, इसको देखना पड़ेगा। अगर बनाते हैं वैसे एजेंसी तो उसको हमें लेजिटिमेसी उसकी तय करनी होगी। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन जो एजेंसी की रेटिंग होती है, रेटिंग होती है उस पर। अब दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।